चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर दो दिन पहले अकोला में पुलिस भर्ती फॉर्म भरने में हो रही दिक्कतों को लेकर विद्यार्थियों में काफी आक्रोश देखने को मिला था। खास तौर पर गांव की रहने वाली युवतियों को सबसे ज्यादा दिक्कतें फॉर्म भरने में हो रही थी, क्योंकि दिन भर सर्वर डाउन रहा, जिसको लेकर वे काफी चिंतित थी। यहाँ तक कि उन्होंने आत्महत्या की भी बात कह दी थी। MKN न्यूज चैनल इस इन विद्यार्थियों की आवाज बना और खबर राज्य सरकार तक पहुंची। राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस भर्ती फॉर्म की तारीख को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है और बता दें कि अब इसकी नई डेट जो है 15 दिसंबर कर दी है, जिसको लेकर विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखने को मिला है। हम मौजूद है अकोला के वसंत देसाई स्टेडियम पर, जहां पर पुलिस भर्ती के लिए प्रशिक्षणार्थी अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनकी काफ़ी समस्याएं थी फॉर्म भरने को लेकर। और हमारे चैनल के माध्यम से, MKN के माध्यम से जो एक आवाज़ बन के उभरी थी, आज राज्य सरकार ने इस पर गंभीरता से दखल ली है और 15 दिसंबर तक इसकी अवधि बढ़ाई है। आइए हमारे बीच में मतलब बहुत ही उत्साह भरा माहौल है, क्योंकि फॉर्म की डेट आगे बढ़ चुकी है और काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। अब डेट आगे बढ़ने की वजह से बहुत मतलब खुशी हो रही है हम सबको कि हम भी मतलब फॉर्म भर पाए, 4-1 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऐसा हुआ। तो ये थे एक विद्यार्थी जो अपने उत्साह को इस चैनल के माध्यम से बता रहे थे। आइए ऐसी और एक जानते हैं, हम क्या लगता है आपको, किस तरह का ये रहा आपके लिए? तो हम 4 साल से मेहनत कर रहे थे, तो उस टाइम में जब फॉर्म भरना था तो सर्वर डाउन रहता था हमेशा, तो 50% जो महिला पुरुष के फॉर्म है 50% ही गए और 50% जो रह गए, जो खेड़े गाँव मतलब खेड़े से बिलोंग करके लड़कियाँ, तो वो नहीं जा पाती थी क्योंकि रात को ही सर्वर चलता था और दिन में सर्वर डाउन रहता। लेकिन फॉर्म की डेट आगे बढ़ने से हमें एक सहूलत मिली थी, हम फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ ही विद्यार्थी, लेकिन इनकी एक मांग अभी भी अधूरी है। इनका कहना है कि जो इनमें भेदभाव किया गया है, समानता जो पुरुषों के साथ नहीं दी गई है, वो भी होनी चाहिए और उस पर भी राज्य सरकार ने दखल लेना चाहिए और इनकी ये मांग को भी पूरा करना चाहिए। MKN न्यूज़ के लिए मैं शाहिद इकबाल, अकोला से।